सब्जी वो राजस्थानी स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गट्टे का मसाला बनाते हैं। मैं थोड़ा सा सौंफ ले रही हूँ, थोड़ा सा जीरा ले रही हूँ, धनिया, थोड़ी सी अजवाइन, उसे अच्छी तरह से अभी हम कूट लेंगे, उसका एक पाउडर बना लेंगे। अभी चलिए गट्टे बनाने के लिए मैं एक कटोरा ले ली हूँ। अभी उस पर मैं थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ, फिर उस पर थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, फिर मैं उस पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूंगी, उसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, और जो कुटी हुई मसाले हैं मैं वो सारा उसमें डाल दूंगी, उसे थोड़ा सा मिला लूंगी, थोड़ा सा मैं रिफाइन ऑयल डालूंगी क्योंकि वो हार्ड नहीं होने चाहिए, और अभी उसे मैं अच्छे से मिला लूंगी। अभी मैं एक कटोरा दही ली हूँ, उसमें से मैं थोड़ा सा डालूंगी और उससे अच्छी तरह से मिला लूंगी अपने हाथों से, और उसका एक डो बना लीजिएगा। पानी चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, ज्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा। देखिए मुझे तो पानी ही नहीं मिलाना पड़ेगा। थोड़ा डो उसका गीला लगा तो मैं उस पर और दो बड़े चम्मच बेसन डाल दी हूँ और उसका एक अच्छा सा डो बना लूंगी। देखिए मेरा डो आके रेडी है। अभी उसे मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा ढक के रख दूंगी क्योंकि पानी सोक करेगा। 5 मिनट हो गए हैं। अभी हाथ में मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लूंगी, उसे इस तरह से उसे मसल लूंगी, और उसे एक प्लेट में हमें मसलना है। आप देखिए, देखिए मैं डो को एक प्लेट पे रख ली हूँ। अभी उसे इस तरह से हमें थोड़ा आटा गूंदने जैसे गूंदना है, और उसे इस तरह से मसल मसल के उसके लेयर करके आप उसका डो बनाइएगा क्योंकि वो नहीं फट पाएगा। अभी देखिए गट्टे बनाने के लिए मैं एक पैन ले ली हूँ, उस पर थोड़ा सा पानी गर्म कर ली हूँ। तो चलिए अभी हम गट्टे को बना लेते हैं। देखिए अभी मैं डो को अच्छी तरह से हाथ से मसल ले रही हूँ और उसके छोटे छोटे मैं लोई बना लूँगी। देखिए, और इस तरह से हमें उसको शेप देना है। आप जितना मोटा चाहें बना सकते हैं इस तरह से। सभी कट्टों को हम इसी तरह बना लेंगे। मैंने सारे डो को गट्टे का शेप दे दिया है। चलिए अभी उसे बॉईल करते हैं। ये पानी पूरा उबल गया है। आप जब भी डालें गट्टे को तो पानी ऐसे उबलते हुए होना चाहिए, और इसी तरह छोटा छोटा शेप करके आप सारे गट्टों को इस पे डाल दीजिएगा। ज्यादा लंबा मत करिएगा। हाई फ्लेम में ही उबल रहा है गट्टे, तो गट्टे जब बन जाएंगे तो वो ऊपर उठ जाएंगे और उस पर थोड़े थोड़े बबल आ जाएंगे, तो उसे और 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो उधर उबल रहे हैं, चलिए हम अभी उसके प्यूरी बना लेते हैं। अभी मैं एक बड़ा टमाटर ले ली हूँ, थोड़ा सा अदरक ले ली हूँ, थोड़ी सी लहसुन ले ली हूँ और 2 ग्रीन चिली। तो चलिए अभी उसका पेस्ट बना लेते हैं। ये मेरे गट्टे बॉईल हो चुके हैं, कैसे बबल्स आ गए हैं। अभी मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और सारे गट्टे को निकाल लूंगी और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अभी सारे गट्टे को हम इसी तरह से काट लेंगे थोड़े थोड़े मोटे साइज के। ये मेरे गट्टे कितने सॉफ्ट बने हैं आप भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी उसे हम फ्राई करेंगे। अभी देखिए मैं एक तेल ले ली हूँ कढ़ाई पे। अभी मैं सारे गट्टों को उस पर फ्राई कर दूंगी। ये ऑप्शनल है,
आप चाहे तो ट्राई कीजिएगा, वरना ऑयल से भी आप बना सकते हैं। गट्टे को डाल दी हूँ और हाई फ्लेम में मैं उसे 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा फ्राई कर दूंगी, बस उसे थोड़ा कलर चेंज होने के लिए देंगे। देखिए गट्टे फ्राई हो चुके हैं, अभी मैं सारे गट्टे को एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये भी दही के साथ मिलाने के लिए थोड़ा सा मैं रेड चिली पाउडर लूंगी, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और भुनी हुई कसूरी मेथी और 1 चम्मच धनिया का पाउडर, उसे अच्छे से मिला लेंगे। ये मैं आधा कटोरी दही ले ली हूँ, उस पे सारे मसाले मैं उसमें डाल दूंगी और उसे अच्छी तरह से मिला लूंगी। अभी गट्टे की ग्रेवी बनाते हैं। मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ, उस पे मैं 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ। अभी देखिए तेल गर्म हो चुका है और एक मैं बड़ा प्याज ले ली हूँ, उसे अच्छी तरह से चॉप कर रही हूँ। उसको थोड़ा गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये प्याज थोड़े ब्राउन हो गए हैं तो मैं उस पर थोड़ा सा पानी डालूंगी, जिस पानी से मैंने कट्टे को बॉईल किए थे मैं वही पानी डालूंगी उस पर थोड़ा सा, और थोड़ा सा और पकने के लिए छोड़ दूंगी। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अभी उस पर मैंने जो प्यूरी बनाए थे टमाटर के, टमाटर अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का, वो उस पर डाल दूंगी, उसे भी अच्छे से पकाने के लिए छोड़ूंगी। जैसे टमाटर डालूंगी उसके साथ मैं उसके साथ नमक ही डाल दूंगी क्योंकि टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ और अभी उस पर मैं दही डालूंगी। दही डालते तो आपको तुरंत ऐसे चलाना है क्योंकि दही ना फटे, इसलिए मैं गैस के फ्लेम को ऑन कर दी हूँ, वो भी लो पे है और उसे हमें 2-3 मिनट के लिए ऐसे चलाने हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है, अभी उस पर मैं पानी डालूंगी, पानी ऐड करूंगी। जो गट्टे को बॉईल किए थे उसी पानी को मैं ऐड करूंगी उसी के साथ। अभी ग्रेवी के लिए मैं उस पर थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी क्योंकि मैंने मसाले में थोड़ा सा नमक डाला था। पानी उबल चुके हैं, अभी उस पे मैं सारे गट्टे को डाल दूंगी और उसे थोड़ा उबलने के लिए छोड़ दूंगी, उसे ढक दूंगी थोड़ा। अभी मैं कटोरा ले ली हूँ, आप तड़का पैन भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल दी हूँ मैं उस पे, फिर मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी और थोड़ा सा मैं रेड चिली पाउडर डालूंगी, ये मैं उसके ऊपर डाल दूंगी और उसे अच्छी तरह से मिला लूंगी। इसमें अच्छे कलर भी और अच्छे टेस्ट भी आते हैं। देखिए मेरा गट्टे का सब्जी तैयार है एंड आप भी अपने घर पे ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।